गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एंड चैनलिंग हैंडबुक को लेकर काफी लंबा ब्रेक हो चुका है क्योंकि मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ लेकिन ठीक है अब बैठ सकते हैं तो कब तक बैठी रहूंगी कब तक आराम करूंगी मुझसे नहीं होता है ज्यादा आराम ठीक है तो चैनलिंग हैंडबुक का हम सातवां अध्याय कर रहे थे आ, पार्ट टू या थ्री है शायद मैं देखूँगी और इसके अंदर बात हो रही थी कि साइकिक ग्रीटिंग जो होती है मतलब चैनलिंग के लिए जब आपका कनेक्शन होता है किसी से आ, तो उस बारे में था तो मैं जहाँ पर रुकी थी एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर चुकी थी पंद्रह मिनट का लेकिन कोई आ गया तो मुझे रोकना पड़ा तो मैं जहाँ रुकी थी वहाँ पे मैं वापस जाती हूँ अब आ, और आपको हिंदी में समझाती हूँ हमने मैंने यहाँ से शुरू किया था और वो कह रही है कि यहाँ से उसने इसमें ये कहा कि जब आपने ईश्वर के प्रेम और प्रकाश को अपने अंदर काफी हद तक समा लेते हो आप, तो आपको गलत लोगों से आपका सामना होता है गलत लोगों से आपका सामना होता है और वो आके आपको परेशान करते हैं आपके उत्प्रेरक या रैंडम कैटलिस्ट बन के आते हैं आपकी जिंदगी में या आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा आप लोगों की सेवा करते हो अपने काम को ईश्वर के नजदीक लेके जाते हो उतना ज्यादा भयानक या उत्प्रेरक लगते जाएंगे और ये ईश्वर का काम है क्योंकि वो खाली बैठा है ना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए तो ईश्वर ने सोचा कि समोसा ना सिर्फ एवं ही अच्छा नहीं लगेगा उसमें आलू है मटर है करारा है लेकिन चटनी के बिना कैसे अच्छा लगेगा तो उसने बुरे लोगों की लाल मिर्च की चटनी हरे मिर्च की चटनी इमली की चटनी सारी कुछ मिला के मस्त उसनेगड़ा डाल के उसने समोसे की चाट बनाई हमारी जिंदगी की <laughs> और उसने सोचा कि जब बुरे लोग बुरा करते रहे अच्छे लोग अच्छा करते रहे इसमें क्या मजा आएगा थोड़ा सा दोनों का इंटरेक्शन भी होना चाहिए समोसे की और चटनी की बात के मुझे तो भूख लग गई तो आम, उसने सोचा कि जब आप अच्छे काम करने निकलोगे ना तो मैं आपके रास्ते में कुछ प्रेरक डालूंगा अब मैं आपको चॉइस दूंगा आपको चुनने का मौका दूंगा कि अब भी क्या आप सही रास्ते पर जाना चाहते हो या उल्टे रास्ते पर जाना चाहते हो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा रचेता पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना मैं तो बोलूंगी एक बार जरा नीचे उतर और जी हमारी जिंदगी तब तेरे को पता चले आया बड़ा उधर बैठा हमारे समोसे पे चटनिया <laughs> कोई नहीं फिर उसके बाद जब कई बार यह होता है कि जब मुश्किलें आती हैं या ग्रीटिंग जब यानी कि बेसिकली यहां पर भूत प्रेत या बुरे लोग आपके दिमाग में बुरे बुरे आइडियाज डालते हैं या आपको आपसे बात करने आते हैं तो आप पूछते हो मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है वो आपके साथ इसीलिए होता है क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हो क्योंकि आप लोगों की सेवा कर रहे हो क्योंकि आप ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की तरफ जा रहे हो बहुत सालों तक एड़िया रगड़नी पड़ती हैं जहां तक मैंने देखा है और सुना है तो मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और कई सालों तक मतलब वो ईश्वर की उसके प्रेम और प्रकाश और लोगों की सेवा के में मगन रहे लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई इतनी मुश्किलें आई कि पूछो कुछ नहीं बहुत ज्यादा और पता नहीं तीस साल चालीस साल कभी कभी पचास साल बाद जाके शायद उन्हें थोड़ी सी राहत मिली होगी ये जिंदगी कुछ बेहतर हुई होगी हर एक की तो तब भी नहीं होती तो ये होता है और आ, कई बार लोगों के साथ मेरे जैसे लोगों के साथ ये भी होता है कि रात को तीन बजे आ जाते हैं कोई दरवाजे की घंटी बजाने कोई नींद से झकझोड़ के उठाने कोई नींद में नींद से उठाने या परेशान करने तो ऐसे भूत प्रेत भी आ जाते हैं कभी कभी तो इस तरह के ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं हनुमान चालीसा पढ़ो सो जाओ और आ, ये मतलब आई होप मैंने आपको डरा नहीं दिया हो मैं अपनी बात कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है जब इंसानों ने डराना छोड़ दिया तो भूतों ने डराना शुरू कर दिया तो आ, मैं तो पता नहीं मैं पहले बता चुकी हूँ अगर आप मेरे वीडियोस देख चुके हो तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ ये एस्ट्रल रेलम एंड भूत प्रेतों के ऊपर एक दो सेशन किए थे मैंने आ, शायद भैरवी के साथ किया था और शायद एक प्रफुल के साथ किया था तो आ, मैंने उसमें बताया था कि मैं तो उठ के बैठ जाती थी ज्यादा परेशान होती थी तो लाइट लगाती थी और पता नहीं कहाँ हो, होगा तो मैं तो अपने हिसाब से बोलती थी क्यों परेशान कर रहा है हटना मेरे को सोने दे सुबह बात करेंगे तो मैं नहीं डरती वरती तेरे से एंड ठीक है मैं थोड़ा सा परेशान होती तो परेशानी सिर्फ इतनी होती थी कि मेरी नींद खराब होती थी और मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है तो दैट्स अबाउट इट उससे ज्यादा मेरे को कोई खास ऐसी परेशानी नहीं हुई और इसलिए इसमें डर वर की बात नहीं है पर दूसरा शायद ये जिस साइकिक ग्रीटिंग की बात कर रही है वो शायद वो होगी कि आप जैसे रा जब से शुरू की लॉ वन जब से शुरू की तब से मेरे साथ होने लगा है पहले नहीं होता था तब से बहुत ज्यादा होने लगा कि दिमाग में जब कुछ होता है ना तो सबसे पहले बुरी बात आती है इसने जैसे वो डॉक्टर जगदाले ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा वीडियो बनाया ठीक है अभी कल परसों की बात है कौरव पांडव पता नहीं क्या अकल बड़ी भैंस है बेवकूफ इंसान है तो बेवकूफ मतलब वो उसने बहुत बड़ा काम किया बहुत अच्छा काम किया लोगों को जगाया लेकिन उनके जगाने का तरीका गलत है खैर तो उन्होंने वीडियो बनाया सबसे पहले मेरे दिमाग में आया इसको ना वीडियो बना के जी भर के गालियां दो फिर मैंने सोचा मैं क्यों गालियां दू ये तो गिर, गिर, गिर गया है ये तो घमंड में आ गया है गिर चुका है दिमाग खराब हो गया है इसका और ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है कौरवों जिनको वो कौरव कहता है तो वो तो इसके ऊपर कब्जा कर चुका है तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो मैं उसके लेवल तक क्यों गिरूं? ठीक है मेरा मैसेज उसको ये था कि लोगों को मेडिटेशन करना बताओ तो वो उसने दे दिया ठीक है मेरा काम हो गया उसने मेरे साथ शो ने किया नहीं किया और मतलब मना कर दिया करने से और आ, उसने मेरा संदेश तो पहुंचा दिया ना अपना काम हो गया ठीक है उसका तरीका बोलने का गलत था जो वजह उसने बताई वो गलत थी लेकिन मेरे दिमाग में जब वो गुस्सा आया बदले की भावना आई मैंने कहा मैं मुझे उसके स्तर पे नहीं गिरना है तो यहाँ पर जो ये साइकिक ग्रीटिंग की बात करें ये नेगेटिव थॉट्स लेफ्ट साइड वाले देते हैं कि अच्छा उससे ते तेरे साथ ये कि चल तू भी ये कर क्यों करूं मेरे को नहीं जाना है तुम्हारे रास्ते पर तुम हो जैसे भी हो तुमको अपना गंदा रास्ता अपनाना है अपनाओ मुझे ना किसी से बदला लेना है ना किसी को गालियां देनी है ना मुझे किसी का बुरा भला करना है हाड़ में गया मैंने उनको माफ किया बाकी भगवान देख लेगा और उनके कर्म तो खैर वो तो हो कर्म का वो क्या कहते हैं लेखा जोखा तो होता ही है तो इस तरह की साइकिक ग्रीटिंग्स बहुत होती हैं जब आप सही रास्ते पर जाओ जरा सी कोई बात होगी खून खोल जाएगा मतलब मुझे हुई एक मेरी मेड से गलती हो गई और मुझे मेरे घर के सारे पौधे निकालने पड़े चौबीस घंटे तक मैं आग बबूला होती रही रोई बहुत मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मुझे अपने सारे पौधे उठा के देने पड़े हर बार जब मुझे गुस्सा आता था या मैं रोती थी तो मैं खुद से कहती थी ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है जो हुआ अच्छा हुआ इसमें भी कोई भलाई होगी लेकिन मेरे पौधे मुझसे छिन गए मुझे सारे उठा के देने पड़े और जो कि हर्ब्स थे जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ तो आपको ऐसे बाजार में नहीं मिलते मिलते होंगे तो महंगे होंगे जो भी अपने पौधों का अलग ही वो होता है तो 24 घंटे मैं उस गुस्से से उस बदले की भावना वो रोना दुख बहुत हुआ मेरे अंदर एक घंटा होता था फिर मैं खुद को समझाती थी क्या है पौधे ही तो थे तो क्या हो गया कोई बात नहीं बाजार से खरीद लेना या you know, कुछ और इंतजाम देख लेना कि शिफ्ट हो जाओ बॉम्बे से बाहर क्यों रहना है बॉम्बे में फिर एक दो घंटे बीतते थे फिर गुस्सा आता था के लेकिन मेरे पौधे इस तरह से वो आपको बहुत परेशान करते हैं बहुत ज्यादा बिना मतलब के छोटी छोटी बात के ऊपर आपको वो लॉलीपॉप देंगे ले गुस्सा कर बदला ले उस वक्त आपको चॉइस करनी है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है मुझे ईश्वर के रास्ते पे चलना है मुझे प्रेम और प्रकाश के रास्ते पे चलना है तो मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई क्योंकि ये मेरे साथ अभी हुआ है दो तीन दिन में दो दिन में। एक परसों एक कल लिटरली और ये इतना ताजा है ना कि दुख अब भी है मेरे पौधों का दुख मुझे अब भी है बड़े प्यार से लगाए थे मैंने बड़ी मेहनत से कहीं कहीं से बीज इकट्ठा कर करके पालक मटर रोजमेरी बेजल तो है दुख लेकिन शांत हो चुकी हूँ दे दिए उठा के ये पौधों की वजह से इतना मगजमारी हो रही है ना उठाओ टंटा साफ करो नहीं चाहिए जो ऊपर वाला करता है सही करता है उसमें भी कोई वजह होगी उसकी जो ऐसा हुआ जो कुछ भी हुआ और अगर उन्होंने ऐसा किया ठीक है उनके करम उनके साथ मैं उनके स्तर पर घिरना नहीं चाहती मैं लोगों का भला करने गई थी क्योंकि उनके जितने फॉलोअर्स हैं, मैंने सुना है कि काफी सारे लोग मुझे आकर खुद पर्सनली मैसेज कर चुके हैं बोल चुके हैं कि हमें बहुत डर लगता है उनकी बातों से तो खैर उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी लेकिन अः इस बात को यहाँ पर इस तरह से उन्होंने समझाया है कि जितना आप ईश्वर के प्रेम और प्रकाश के नजदीक जाते जाओगे उतना यह भयंकर होता जाता है कभी कभी और जब आप ये पूछते हो कि अगर जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए तो मेरे दिमाग में सबसे पहला पहली बात ये आई कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें तो उसे हैंडल करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उसे अपने अंदर पनपने मत दो और जब कोई ऐसी बात आती है ना तो इट्स लाइक अ प्रायोरिटी मेल के रेड uh, सिग्नल है इमिजिएट अटेंशन देना चाहिए और उसके बाद अगर आपने अपने आप को उस लोभ उस गुस्से गिल्ट बदले की भावना के लोभ के सामने ना रखा होता तो आपको ये आता नहीं मैं अपनी बात कर रही तो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे अंदर वो एक हिस्सा शायद खुला है तभी मेरे दिमाग में वो सब आता है तो अगर आपने वो रास्ता खुला नहीं छोड़ा होता तो उनकी बात आप तक पहुंचती कैसे तो पहले तो अपना वो रास्ता बंद करने की जरूरत है अपनी सोच को बदलने की जरूरत है अपने कर्म को बदलने की जरूरत है और इस तरह के प्रलोभन जब आते हैं तो उन्हें इमिजिएटली आपने डील करना है और उन्हें लव एंड लाइट भेजनी है। और जो मैंने भेजी दोनों केस जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए दोनों केस में मैंने खुद को और उनको लव एंड लाइट भेजी डॉक्टर जगदाले को भी भेजी लव एंड लाइट टू यू लॉट सर्फ लव एंड लाइट टू यू लॉट्स ऑफ गिवनेस टू यू सो आई हैथिंग अगेंस्ट हिम और एनीबडी ये जो पिछले दो तीन दिनों में हुआ है मेरे साथ तो uh, आगे वो कहती है कि अगर आपने जैसे मैंने कहा कि कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा होता तो आपके ऊपर वो बुरे वाले लोगों का हमला हुआ नहीं होता और ये जो बुरे वाले लोग हैं इफ नेगेटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज सेट टू हैव वन प्रोडिक्टेबल कैरे कैरेक्टरिस्टिक इज कॉशन ये जो लोग होते हैं ये बहुत ध्यान से काम करते हैं बहुत सोच समझ के काम करते हैं इनके जहां पर ये ध्यान से इसलिए काम करते हैं क्योंकि जहां पर ये कामयाब नहीं होते तो इनके आ, ये बहुत कुछ खो देते हैं अगर ये कामयाब हो जाते तो विंडो अभी भी ओपन है क्योंकि ये बहुत ताजा है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अभी भी है वो बात तो वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं लेकिन जब मैं उसे पॉजिटिवली हैंडल करूंगी तो वो फेल हो जाएंगे तो जैसे मैंने प्लांट्स वाला पॉजिटिवली हैंडल किया वो फेल हो गए उनके उनको बहुत कुछ खोना पड़ता है वो क्या खोना पड़ता है अगर आगे बताएगी तो देखते हैं जैसे लॉ ऑफ वन में पाने बोला था कि उनको अपने सीनियर से सुपीरियर से अपने बॉस से काफी डांट खानी पड़ती होगी जरूर मार पड़ती होगी कोड़े पड़ते होंगे आम... वेर दे विल फेल डील टू लूज इफ दूचुएशन वेर फेल फेलिंग इज अगेटिव नो नो वो नाकामयाब होने का रिस्क नहीं ले सकते अगर आप किसी सिचुएशन को एक गलत नजरिए से देखते हो अप्रोलिंग ऑफ अदर्स द सेल्फ इज द नेम ऑफ द गेम उनका जो खेल है वो है अपने बारे में सोचना दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना और अपने आप दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना अपने फायदे के लिए और अपनी सेवा के लिए कि इसमें मेरा फायदा है, पता नहीं उसका क्या फायदा था ऐसा बकवास करके पर खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है तो इफ यू कैन नॉट कंट्रोल अनादर यू हैव फेल्ड अगर वो आपको अगर कुछ कहते हैं और आपके ऊपर कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गए और आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो आ, फेल हो जाएंगे सो इट इज अनलाइकली इन द एक्सट्रीम दैट यू आर अंडरगोइंग सम टाइप ऑफ साइकिक ग्रीटिंग अनलेस यू हैव लेफ्ट योरसेल्फ सेल्फ इनडिफेंसिबल ऑन सम पॉइंट तो अगर आप को इस तरह की कोई साइकिक ग्रीटिंग आ रही है मतलब आपको इस तरह कुछ बोला जा रहा है आपके दिमाग में और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है जैसे एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि चाहकर भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं गुस्से में बोल पड़ी तो और मैं रियलाइज कर रही हूँ कि ये बेमतलब का बिना बात का गुस्सा है जरूरत नहीं है गिनी चुप कर जा चुप कर जा हुआ मेरे साथ ऐसा तो अः ऐसे टाइम पे इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता इस तरफ से खुला हुआ है तो बंद करना पड़ेगा We've talked about some of the temptations, most of, most of which have to do with either ego or excess. Look through your relationships, your conversations, and your, Take your work. Look through the look through your relationships, your conversations, and your private behavior, for those actions which are not consistent with your own deepest. पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू आर इन वालनरेबल पोजिशन एज एन इंस्ट्रूमेंट तो आम, जब हम वो कहती है कि अभी तक हमने प्रलोभनों के बारे में बात की है जिसका ताल्लुक आपके या तो घमंड मतलब आत्म आत्मविश्वास नहीं ईगो ईगो घमंड घमंड से है या जरूरत से ज्यादा लालच से है तो मैं 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 मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो अपने रिश्तों अपनी बातचीत और अकेले में आपके आ, स्वभाव के बारे में सोचो अपने कर्मों के बारे में सोचो जो आपकी सही सोच या आपके आ, असली स्वभाव के साथ जुड़ता नहीं है आप जनरली बहुत अच्छे इंसान हो बहुत प्यारे हो आपको जनरली गुस्सा नहीं आता है, आप छोटी छोटी बातों को लेके मतलब लेकर नहीं करते लेकिन आपने फलाने रिश्ते में कुछ ऐसा किया ऐसा किया वैसा किया अभी कुछ दिनों में तो आ, उसके बारे में आपको एनालाइज करने की जरूरत है सोचने की जरूरत है अगर आप आ, एक माध्यम के तौर पे कमजोर हुए मतलब के आपका रास्ता वो खुला है और आपको इस तरह के आ, psychic greetings या क्या बोलते हैं हिंदी में एक मिनट हिंदी में क्या बोलते हैं आ, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं आ, इस तरह के मैसेजेस आ, आ रहे हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप सोचें कि आप सही रास्ते पर चलें, सही काम करें ताकि आप बिना मतलब के किसी गलत मुश्किल में ना पड़ जाएं अपने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की वजह से ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल अगर दूं तो आजकल ये लगाने के बाद लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है और वो वाला रास्ता खुल गया है उनका साइकिक ग्रीटिंग का रास्ता खुल गया है गुस्सा आया तो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं एग्जाम में फेल हो गई बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया उसने जाके स्कूल में आग लगा दी आज मैंने पढ़ा मतलब अब जेल तो होगी ना कहा था दिमाग प्रेम प्यार की बात कर रहे हो प्यार की वजह से कर रहे हो प्यार से सोचो ना जैसे माँ और बेटे में झगड़ा हुआ बेटे को माँ ने कुछ कह दिया बेटे को गुस्सा आ गया दो सौ रुपए मांगे उसने नहीं दिए नहीं है मेरे पास उसने खून कर दिया हुआ क्या जेल पहुंच गए तो अपने बिहेवियर अपनी सोच अपने तौर तरीके के बारे में जरूरत से ज्यादा एनालाइज करके सोचने की और खुद को समझ समझने की जरूरत है ताकि आप किसी उनके हमले की वजह से मुश्किल में ना पड़ जाओ यू मे हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू रिक्नाइज एंड एक्सेप्ट योर ओन शॉर्टकमिंग्स आपको अपनी बुराइयां समझने की जरूरत है अपने आप को झुकाने की जरूरत है घमंड को पीछे करने की जरूरत है जब मैंने बोला ना कि अभी कुछ दस पंद्रह दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और मैं जानती थी कि ये बिना मतलब का है लेकिन मैं फिर भी गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ नहीं कर पाई फर्स्ट थिंग आई डिड नेक्स्ट मॉर्निंग इज आई कॉल्ड अप एंड आई आस्ट फॉर फर्गिवनेस मुझे नहीं पता मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई मैंने गलत किया मेरी गलती है मुझे प्लीज माफ कर देना I did that. उसमें ईगो की क्या बात है गलती की है तो एक्सेप्ट करो क्यों की है किसी और की वजह से अब मैं घमंड करके बैठ जाऊं हाँ ठीक है कर दी कर दी क्या हो गया नुकसान किसका है मेरा ही है ना भले वो इंसान मुझसे जिंदगी में दोबारा बात करे ना करे पर मेरा दिल तो कॉन्शियंस क्लियर हो गया कि मैंने माफी मांग ली और दिल से मांगी मांगने के लिए नहीं मांगी आई एब्सल्यूटली ऑनेस्ट और ये करने की जरूरत है अगर ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की रोशनी के रास्ते की तरफ चलना है तो अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा उसके अंदर शर्म की कोई बात नहीं जब गलती करते वक्त शर्म नहीं आई तो माफी मांगने में कैसी शर्म है शर्म आनी चाहिए थी तो गलती करते वक्त आनी चाहिए थी माफी मांगने में कैसी शर्म है माफी मांगी और आ, पहली बात तो यह कि माफी मांगने का मतलब यह नहीं है कि अगली बार फिर गलती करो फिर माफी मांग लो ना ना फिर माफी मांगना ही मांगो उसका मतलब यह है कि इस चीज पर ध्यान दो कि मुझसे ये गलती हुई क्यों हुई मैं कंट्रोल नहीं कर पाई तो अगली बार मुझे ध्यान रखना है कि वो मौका ही ना आए कि मुझे माफी मांगनी पड़े या मुझे शर्मिंदा होना पड़े इट्स स्टुपिडिटी आई हैव टू मेक माय सेल्फ स्ट्रांग जब मैंने ये सोचा कि आई हैव टू मेक माय सेल्फ स्ट्रांग कौरव पांडव खड़े हो गए कोई नहीं ठीक है तो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर ओन शॉर्टकम इट इज फार इजीियर टू समवन और मैसेंजर ऑफ लाइट एंड इट इज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अटैक प्लेस्ड योरसेल्फ इन यू आर नाउ बाय सम बहुत आसान है कहना अरे मैं क्या करूं उसका ना ओरायन ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया तो सारा ब्लेम गेम खेलो है उसकी गलती अरे गलती तो तुम्हारी है किया तो तुमने उसने तो तुम्हें बोला उसने तुम्हें सजेस्ट किया या उसने तुम पर आ, हावी होने की कोशिश की पर उसे हावी होने किसने दिया मैंने खुद ने ना हम खुद ही उसको हावी होने के लिए वो रास्ता खुला छोड़ते हैं ना उसको अगर हम बोले कि गलत बात दफा हो जाए यहाँ से I send you love and light. Please get lost. I send that situation love and light. जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से वो हमें गुस्सा, जलन, गिल्ट, नफरत, जो भी करने की करने के लिए बोल रहा है, उस सिचुएशन को love and light भेजो. दो मिनट लगते हैं मेडिटेशन में आंखें बंद करके. That's what I do now. Uh, आंखें बंद करो, शांत हो जाओ, उस पूरे situation को love and light भेजो. And सॉर्टेड uh, वो गुस्सा गुस्सा सब गायब हो जाएगा तो उस अः uh, सिचुएशन में आप आए के उसको मौका मिला आपको बोलने का तो आप जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं है वो भी नहीं है कई लोग जैसे बोलते थे अरे यार बहुत पीली थी पता नहीं शराब के नशे में मैं क्या कर गया आई एम सो सॉरी हजम नहीं होती तो पीते क्यों हो शराब कुछ नहीं करती शराब ये करती है कि शराब के नशे में औरायन जो है आप पे कब्जा कर लेता है करता है, करते 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 हैं हैं, हैं। के चेले करते हैं, करते हैं। और यह मैंने अपनी आंखों से एक बार नहीं पचासों बार देखा है तो अगर दुनिया में सबसे गंदी कोई चीज है ना तो वो है शराब एक बार को ना वो किसी को एक आध ड्रैग वीड का लेना हो तो भले ले ले क्योंकि वो नेचुरल है ब्लू मून आई एम टॉकिंग अबाउट लेकिन और वो भी एक आध ड्रैग लेकिन शराब is, is bad. वो जितने केमिकल से बनी हुई चीजें हैं जो नेचुरल वाइन है वो आप पी सकते हो बिकॉज वो फ्रूट्स की बनी है लेकिन लिमिट में ओनली वन ग्लास अ डे केमिकल से बनी हुई और ये विस्की और हार्ड लिकर और ये सब चीजें बियर वगैरह ये सब जो चीजें ये बहुत नुकसान देती हैं मेंटल तौर पे क्योंकि जब आप ये पीते हो तो फॉर आप आपने बार में बैठे थे आप दोस्तों के साथ आप पी रहे थे और चलो घर चलते हैं एक बज गया बार बंद हो गया आप घर आए बार से निकले और घर आने तक बाहर से निकले टैक्सी तक चले गाड़ी तो चला नहीं नहीं है ड्रिंक करके तो पहले तो रास्ते में कोई भूत प्रेत पकड़ लेगा टैक्सी में बैठे तो क्या पता टैक्सी में कोई भूत प्रेत बैठा हो वो पकड़ लेगा टैक्सी से उतरे रास्ते में अः टैक्सी जहां से भी गुजरेगी अगर वहां पर रास्ते में क्योंकि हर दो कदम पे या हर एक कदम पे दुनिया में बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं वो मानो या ना मानो आपके घर के आसपास बाहर पेड़ों पर हर जगह होते हैं खुली जगह पे तो बहुत होते हैं बिल्डिंगों में भी बहुत होते हैं अंधेरे कोनों में होते हैं आप निकले रात का टाइम अंधेरा टैक्सी जहां से गुजरी रास्ते में कोई भूत प्रेत को आप ज्यादा खुश हो तो आपको चिपक लेगा आप दुखी हो तो आपके आपको और ज्यादा चा, और चार और चिपक लेंगे उसके बाद आप टैक्सी से निकले और टैक्सी से उतर के अपने घर की तरफ भले गेट के सामने भी टैक्सी रुकी बिल्डिंग या घर के गेट के बाहर आसपास पेड़ों के ऊपर कोई भूत प्रेत है वो चपक चिपक लेंगे अब आप घुसे घर में अब आप घर में घुसे ये भूत प्रेत पता नहीं दुनिया के कौन से कौन से कोने में कौन से कौन से हजारों सालों से खाख खा के आज उनको आके घर मिला है आपके घर में जो भी नेगेटिव या डार्क कोना होगा आ, फ्रिज के पीछे अः पलंग के पीछे पलंग के नीचे अः जहा पे जाले और साफ सफाई नहीं हुई होगी ऐसे जितने कोने हैं ना, वो सारे चार पांच छ सात भूत प्रेत एक एक कोना पकड़ के बैठ जाएंगे जब भी आपके घर में कोई झगड़ा होगा कोई दुखी होगा ये सब आके आपको परेशान करेंगे तो बैठे रहेंगे वहां महीनों बैठ सकते हैं इसीलिए कहते हैं कि घर को साफ रखना चाहिए धूल मिट्टी और जाले नहीं होने चाहिए घर के अंदर भूत प्रेतों को भगा, भगाने के लिए ताली मारी जाती है। हाँ आपके बाथरूम में भी जाके बैठेंगे अः ताली मारी जाती है आ, धूप दिया जला के पूरे घर में इस तरह से दिखाया जाता है और नमक से हफ्ते में एक बार पोछा लगाया जाता है अः ताजे फूल लाके रखो सुगंध वाले या अः चंदन या कोई भी डिफ्यूजर में एरोमेटिक ऑयल्स जलाओ ताकि सुगंध सुंदरता खुशियां जहां होंगी वहां ये भूत प्रेत नहीं होंगे तो भगवान के आप पाठ वाठ या कुछ मंत्र वंत्र लगा सकते हो फोन पे लगा के छोड़ दिया लैपटॉप पे लगा के छोड़ दिया टीवी यूट्यूब पे लगा के छोड़ दिया तो ये होता है बहुत लंबा चला गया एम सॉरी चैप्टर तो एक पेज भी खत्म नहीं हुआ आ, ओके, तो उसके आगे कितनी देर हो गई रिकॉर्डिंग को पता नहीं चल रहा है अच्छा ठीक है मैं इसको यहाँ पर रोक के दोबारा रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ ओके मुझे पता नहीं है कितनी देर हो गई आधा घंटा तो हो ही गया होगा हाँ आज कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने Of the record, of the track, I'm sorry if I wasted your time.